शाना क्यों इतना गुस्सा कर रही है यार? अरे सुन ना, मत करना गुस्सा। क्यों क्यों गुस्सा ना करूं? तेरा जितना गुस्सा करने का मन था तूने कर लिया, अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। पर बहुत हो गया ना अभी गुस्सा। तो हो गया? हाँ जी, देख तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना, मैं जितना सुनाऊं, मैं जितना गुस्सा करूं, तू वही करेगा जो तेरा दिल करेगा। और वैसे भी वो कहने को ना हमसे बहने हैं, सिर्फ कहने के लिए। वो होती है ना मुंह बोली बहन, मुंह पे बहने और पीठ पीछे कुछ नहीं। अरे तू क्या क्या कुछ भी बोल रही है शाना? मैं क्या क्या कुछ भी बोल रही हूँ? सही तो कहा मैंने, और बहने होती किस लिए? सिर्फ बोलने के लिए। जरूरत के टाइम पर कहाँ भाग जाता तेरा बहनपना? मेरी बात सुनेगी? नहीं सुनूंगी। मासी जब किचन में फंसी थी तब तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं वहाँ पर आकर मासी को आराम से बाहर निकाल सकती थी। पर तुझे तो पता है ना कि मैं एक पत्थर से दो दो आम तोड़ सकती हूँ, और अपने दांत पे दबाकर दो दो अखरोट एक साथ तोड़ सकती हूँ, और वो जल्दी बस भाग के पकड़ सकती हूँ, और लाइन में बिना लगे टिकट कटा सकती हूँ, और चम्मच से सोडा की बॉटल भी खोल सकती हूँ, और हेयर पिन से कोई भी ताला खोल सकती हूँ। तो मैं किचन का दरवाजा भी खोल सकती थी ना? पर नहीं, तूने तो सोचा होगा ना कि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरी माँ, मेरी माँ को मैं ही बचाऊंगी। शाना का क्या? शाना की तो मासी है, वो क्या कर लेगी आकर, है ना? चुप कर मेरी माँ, मेरी बात तो सुन। देख तेरा गुस्सा वैलिड है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तू सही कर रही है गुस्सा, पर मेरी बात भी तो समझना। माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया है और वो फंस गई थी वहाँ पे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था यार। ऐसे में मैं ये थोड़ी ना सोचूंगी कि चाना कितनी टैलेंटेड है, वो बिना चाबी के ताला खोल सकती है और आम तोड़ सकती है बिना, मतलब क्या तू? मैं टेंशन में थी यार, नहीं चल रहा था दिमाग तो। अच्छा ठीक है ठीक है, तू सही कह रही है, तू वहाँ होती तो तू बचा लेती मासी को। आई नो तेरी बाएं हाथ का खेल। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, मैं बाएं हाथ से डोर खोल देती और दाएं हाथ से अपनी पीठ थपथपा सकती थी। कोई नहीं, अभी थपथपाती हूँ तेरी पीठ। तूने अकेले मेरे बिना इतने सारे गेस्ट को अपने बल पे संभाला है, गुड जॉब। एक बार और थपथपा। अच्छा यहाँ पर मैं संभाल लूंगी, और तो जाके बुफे काउंटर चेक कर ले कि वहाँ पर उन्होंने सब कुछ ठीक से लिखा है कि नहीं। मेरी पागल बहन। बस बस अभी ये सारा प्यारा घर चल कर दिखा रहा, और मासी के आने से पहले ना हमें सब कुछ संभालना है, तो जा सब काम पे ध्यान देना प्लीज। गुड गुड। ओए भाई साहब थोड़ा जल्दी चलाइए ना। सड़क खाली होगी तो मैं तेज चलाऊंगा ना मैडम, देखिए ना कितना ट्रैफिक है। मुझे दिख रहा है भाई साहब, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इमरजेंसी है। ओके मैडम। जी जी मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ, कैसी है सरिता जी? अभी वो टैक्सी आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे चल। दासी आई श्योर आपने प्रज्ञा को इसी टैक्सी में बैठते हुए देखा था? अरे बेटा मैं ना हजारों की भीड़ में भी उसे पहचान लूंगी, मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती है। चल ना, वो देख जा रही है। अरे लोग एक लेन में गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? कभी कोई यहाँ से घुसता है कभी वहाँ से। भाई काम डाउन, पीक आवर है, सब किसी को घर पहुंचने की जल्दी। अरे घर ही पहुंचने की जल्दी है तो रोड डिसिप्लिन मेंटेन करे, उनकी वजह से अगर प्रज्ञा निकल गई तो। भाई तू पैनिक हो रहे हैं, इतनी डेस्परेशन प्रज्ञा से मिलने की, ये मेरा फैमिली के लिए अच्छी खबर नहीं है। बस बस थोड़ी देर उनका ख्याल रखिए मैम, मैं पहुंच रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी थैंक यू। आगे से राइट लेना। हाँ मैडम। अरे अरे वो बोल रही टैक्सी। मैं देख रहा हूँ दासी, पापर दो टैक्सी है, उनमें से कौन सी वाली? हीरोपंती भी ना आसान नहीं है, पता नहीं व्हाट वाज आई थिंकिंग, क्या क्या झेलना पड़ता है यार मुझसे, और मुझसे तो ये चोट झेली नहीं जा रही यार। मैं हूँ। क्यों वो? अंदर आ सकती हूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने कमरे में कोई स्ट्रेंजर पसंद नहीं है, तुम बाहर रह के ही बताओ मुझे क्या बात है। नहीं वो तुम्हें थैंक यू बोलने आई थी। क्यों वेलकम? बहुत दर्द हो रहा है थोड़ा सा, बट इट्स ओके, आई विल बी फाइन। मैं हेल्प कर दूं? नहीं 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 इट्स ओके, मैं कर लूंगा। नहीं वो दवाई लगाने में हेल्प अगर चाहिए? नहीं प्राची मुझे नहीं चाहिए किसी की हेल्प, मैं लोगों की हेल्प अपने लिए नहीं करता हूँ, मुझे पसंद है लोगों की मदद करना, और उसमें मुझे कुछ वापस मिले ना मिले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर तुमने मुझे पता नहीं क्या ही समझ रखा है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा आई एम रियली सॉरी, आई मीन इट। इट्स ओके थैंक यू, तुमने माफ़ी मांग ली और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट तुम्हें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है प्राची, कि
जो चीज जैसी दिखती है वैसी जरूरी नहीं है कि वैसी वो हो. लुक्स कैन बी डिसीविंग. तुम समझो कि मैं ऐसा नहीं हूं, आई एम नॉट अ बैड पर्सन. पर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा. ओके ओके, इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं कॉल दरवाजा बंद करना. थैंक यू. वाह रणवीर, कितना स्मार्ट है यार तू. एक तीर से दो निशान. रिया को लगता है कि मैं बहुत ब्रेव हूं, प्राची को लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं. सही है, उसको तो गिल्ट में भी डाल दिया अब मैंने. रणवीर बुरा लड़का नहीं है. हाँ उसकी कुछ आदतें बुरी हो सकती है, पर वो बुरा लड़का नहीं है. अंधी हो क्या? देख के नहीं चला जाता. चलाओ मत, कारपेट की वजह से गिरी हूँ. What a lame excuse. बाकी तो कोई नहीं गिरता. बाकी कोई काम भी तो नहीं कर रहा है ना. हाथ में ट्रे थी इसलिए नीचे नजर नहीं गई, पर कारपेट की नजर तुम पे जरूर गई होगी. उसने देखा कि ये तो शान है, अरे मुझे से गिराना होगा, और उसने अपनी टांग लड़ाई और तुम्हें गिरा दिया, है ना? मैं पूरे दिन हील्स पहन के घूमती हूँ और मैं नहीं गिरती, बट तुम ओ यू आर ब्लाइंड. ऐसा करो, चश्मा लगवा लो, और अगर पैसों का प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ. फिर तुम कॉलेज में जाके आराम से बता सकती हो, पता है कि मैं रिया के घर गई थी और मैं गिर गई, पर रिया इतनी अच्छी है, उसने मुझे चश्मा बनवा के दिया, वो भी फ्री में. पैसों का बहुत घमंड है ना तुम्हें, पर काश कि तुम पैसों से अपने लिए थोड़ा अकल खरीद पाती. पर कोई नहीं, जैसे कुछ लोग आंख के अंधे होते हैं ना, वैसे कुछ लोग अकल से भी अंधे होते हैं. मैं तो अपनी आंखों पर चश्मा लगवा लूंगी, पर तुम अपने दिमाग पर क्या लगवाओगी? यू जस्ट शट अप. मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ क्या कर रही थी. पैसे वाले लोगों से प्रॉब्लम है, पर नजर यहाँ वहाँ सिर्फ रिच लड़के पे जा रही होगी कि एक अमीर लड़का पटा लेती हूँ, फिर पैसों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. और फिर ये वेट्रेस गिरी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना? दिस इज व्हाट आई थिंक एंड दिस इज द ट्रूथ, राइट शाहाना? जितना पढ़ा कर उतनी छोटी सोच है तुम्हारी. हे वेट्रेस, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? Pass it to me. उठाओ और मुझे दो. तुम पूरे एक सेकेंड लेट हो, अब मूड नहीं है. वैसे यहाँ पे काफी रिच लड़के हैं, नजरें घुमाओ तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. और मुझसे मिली नहीं. अगर मिलना ही नहीं था तो आई क्यों? बेटा तुम घबरा गई होगी. एक तो दासी के पास हर बात का जवाब होता है. मौसम को अचानक क्या हो गया? लगता है बारिश होगी मैडम. ये तो बारिश का मौसम भी नहीं. बिन मौसम की बारिश होने वाली है मैडम, और कहते हैं कि बिन मौसम की बारिश का मतलब होता है कुछ अच्छा होने वाला है. कुछ अच्छा होने वाला है उसके संकेत है ये. मौसम के बारिश मतलब अच्छा संकेत. आप प्लीज जल्दी चलाइए. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर प्रज्ञा वहाँ पर आई और अगर उसे पता था हम सब वहाँ पर थे तो बिना मिले ऐसे भाग कर क्यों चली गई? अरे कहा ना कि वो घबरा गई होगी. वो घर आई होगी, उसने अभी को नहीं देखा तो सोच रही होगी कि अभी है कहाँ. मुझे रोना आ गया होगा, इतने सालों के बाद घर आई थी ना वो, कोई तो मिलता. बस घबरा के घर चली गई होगी. वैसे तो कहती रहती है कि मेरी नजर कमजोर हो गई है, लेकिन प्रज्ञा के हाव भाव ने बहुत अच्छे से नजर आते. अरे वो रही टैक्सी, रोक ना उसे. हाँ दासी, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ. अरे रोक ना उसे. अरे कैसे रोकेंगी दासी? मुझे पता है उसे कैसे रोकना है. क्या हो? Thank you.
ओ मैडम, आगे रास्ता बंद है, दूसरे रास्ते से जाइए। चलिए। बोला था ना मैडम। बोला तो मैंने भी था ना कि मुझे जल्दी है। मैं आपको पहले ही पहुंचा देता अगर आपने बीच में कट लेने के लिए ना बोला होता तो। अच्छा ठीक है, आप उसी रास्ते से चलो। हाँ। ये अचानक हेडलाइट को क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं ये हेडलाइट क्यों बंद हो गई। देखता हूँ मैडम। प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ बैठिए। ग्रीन पार्क से आ रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं ग्रेटर कैलाश से आ रहा हूँ। सॉरी। गलत टैक्सी का पीछा किया हम लोगों ने। अभी आ जाओ। पार्टी में कोई दूसरी बहन बना लिया क्या? समझती क्या अपने आप को? अमीर तो हमें कुछ नहीं समझती, कुछ भी बोलेगी। क्या किया उस रिया की बच्ची ने अब? उसने मुझे अंधा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने उसे पता नहीं चलने दिया कि मुझे बुरा लगा। अब राजी, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर तुझे कैसे पता चला कि उसने मुझे ऐसा बोला? क्योंकि मेरी चुटकी को ऐसे कोई रुला नहीं सकता। एक वही है जो बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल देती है। तू रुक, उसे ना आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तू रहने दे प्राची। अरे क्या रहने दे, वो बार बार ना ऐसे ही करती रहती है। पिछली बार भी याद है ना, ऐसे किया था जब हम वेटर बन के गए थे उसके घर पे, और आज भी वही कर रही है। जस्ट बिकॉज हम केटर्स हैं तो वो हमें नौकर नहीं समझ सकती ना, कुछ भी नहीं बोल सकती। तू रुक, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। प्राची, उसने कोई बकेड़ा खड़ा कर दिया तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कोई हाथापाई थोड़ी ना करूंगी उसके साथ। जाऊंगी, उसे सुनाऊंगी, और ऐसा सुनाऊंगी कि लाइफ के सारे लेसंस ना एक ही दिन में सीख जाएगी। ठीक है, तो तू उसे ना अच्छे से सुनाना, और मेरी तरफ से भी सुनाना उसको। तो किचन संभाल, मैं उसको संभालती हूँ, और रोना नहीं, समझी? नहीं रोना। राजी जैसी बहन हो तो भाई की किसे जरूरत है? I don't know, बहुत पहले के टाइम की बात है, अब तक तो शायद से भूल भी गया होगा। You tell me how's your life going on? Just excuse me, I'll come back. तुमसे बात करनी थी। Of course, तुम बातों के अलावा कर भी क्या सकते हो? I think it's your favorite hobby, isn't it? और कोई भी बात ना समझ पाना तुम्हारी। Listen, I think you're such a hot-headed woman. पार्टी है, कुछ ठंडा जाके पियो। Loosen up, calm yourself down and leave me alone. घबराओ मत, मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आई हूँ, बस एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, so listen to me. Please listen. प्राची, ना मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए टाइम है और ना पेशेंस। Fine. पेशेंस मेरे पास है, पर एक हद तक। Fine. मेरी इस पार्टी में तुम मेरा मूड खराब नहीं कर सकते हो, so just say what you wanna say. देखो, मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर लगता है तुम इस लायक ही नहीं हो। You just don't deserve it.
तुम अच्छे से बात करना इसलिए चाहती हो क्योंकि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। जो जैसा होता है ना दुनिया को उसी नजर से देखता है। बट इट्स ओके, आई एम नॉट योर सिस्टर, तो तुम्हें इस बात पे ज्ञान तो बिल्कुल नहीं दूंगी। निशा पकड़ नहीं दूंगी। देखो रिया, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि तुम पे गुस्सा ना करूं, बट व्हेन यू स्पीक तुम मुंह खोलती हो ना। तो एनीवे देखो, तुम्हें जो करना है करो, जिसे जैसी बात करनी है करो, पर मेरी बहन शहाना के साथ नहीं। तो वो तुम्हारे पास रोते हुए आई थी कि मैंने उसे अंधी कहा। तुम किसके पास रोते हुए जाओगी प्राची? अपनी मम्मा के पास? सुधर जाओ, वरना मैं सुधार दूंगी। अच्छा, औकात में रहो प्राची। तुम छोटे लोग बड़े लोगों से जैसे बात करते वैसे बात करो ना। मेरे डैड ने तुम्हें थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी है, तुम तो सर पे चढ़ के पंडराने लग गई हो। जो काम करने आई हो ना यहाँ पे वेट्रेस का, वो काम करो। तो लोगों को खाना खिलाओ और घर जाओ। यू नो व्हाट, मुझे लगा था मैं अच्छे से समझाऊंगी तो तुम समझ जाओगी, बट आई थिंक तुम्हें कोई भी भाषा समझ में नहीं आती। अब तो तुम पर थर्ड डिग्री यूज करनी पड़ेगी। थर्ड डिग्री? हाँ, वही जो पुलिस यूज करती है बदमाशों को सुधारने के लिए, क्योंकि सुधार तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। प्रज्ञा नहीं थी, पर ऐसे कैसे हो सकता है? दासी प्रज्ञा को लेके कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उन्होंने प्रज्ञा को देखा था तो टैक्सी में प्रज्ञा ही होनी चाहिए थी। आई थिंक मैंने टैक्सी को मिस कर दिया और किसी दूसरी टैक्सी को फॉलो कर रहा था। प्रज्ञा आई थी, वो मेरे आसपास थी। अगर प्रज्ञा नहीं मिली तो भाई को खुश होना चाहिए था, पर भाई तो अपसेट लग रहे हैं। हेलो। हाँ वो मेरे साथ में ही, एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड ऑन। दासी आप चलिए। एक मिनट भाई, आपके लिए फोन है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, इंपॉर्टेंट कॉल है। कांट टॉक टू यू राइट नाउ। इतना मुश्किल था कॉल कट करना? और आपके लिए कितना मुश्किल है प्रज्ञा को कट करना? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? प्रज्ञा नहीं मिली तो आप अपसेट क्यों हो गए हैं भाई? मैं अपसेट नहीं हूँ। आप अपसेट हैं, इसीलिए आप ये भी नहीं देख पाए कि कॉल किसका था। प्रज्ञा का कॉल था भाई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि प्रज्ञा का फोन है? मैं रॉबर्ट का कॉल था ना। यही मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आज आप एक बार फिर वो 20 साल पहले वाले अभिषेक प्रेमी मेरा बन गए, जिसे प्रज्ञा के सामने ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। रॉबर्ट का फोन था, यस। और आपने मुझे कहा था कि उसका कॉल जब भी आए, जहां भी आए, मैं आपको वो कॉल दूं, बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉल। लेकिन आज प्रज्ञा के कॉल के सामने इस कॉल की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। रात बहुत हो गई है, लेट्स गो इनसाइड। भाई क्या आपको भी लगता है कि प्रज्ञा यहाँ आई थी? हाँ, मुझे लगता है प्रज्ञा ही आई थी। आपने देखा उसे? मैंने उसे देखा नहीं, पर I felt her. मैंने महसूस किया कि वो प्रज्ञा ही थी। मैंने भी उसे महसूस किया। मुझे भी लगता है प्रज्ञा इस घर में आई थी आज, लेकिन वो आपको मिलने नहीं आई थी। अब खुद सोचिए, अगर आपको मिलने आई होती तो आपसे मिलकर जाती, ऐसे भाग कर नहीं जाती यहाँ से। I'm sorry to say भाई, पर मुझे लगता है वो यहाँ पर किसी गलत इरादे से यहाँ पर आई। आलिया please। भाई अब खुद सोचिए, वो यहाँ पर आई, और अगर आई तो आपसे किसी और से क्यों नहीं मिली? उसकी कोई वजह होगी। वजह बस एक ही है, कोई भी इंसान जब ऐसे बिना बताए चला जाता है तो उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे जाने पहचाने या मिले। चोरों की तरह भाग के गई है वो यहां से, और ऐसा इंसान तभी करता है जब वो कुछ गलत कर रहा होता है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है?
वो रिया से मिलने आई थी, एक माँ अपनी बेटी से मिलने आई थी। क्या ये कहूँ कि एक माँ अपनी बेटी को ले जाने आई थी?